भारत सरकार ने निजी कंपनी को सौंपा अफीम प्रसंस्करण एवं डोडे से अल्कोहलाइड निकालने का काम। नमस्कार, मैं हूं रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं एमपी 7 न्यूज। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए नीमच जिले की विशेष खबर। भारत सरकार ने अफीम प्रसंस्करण एवं डोडे से सीधे अल्कोहलाइड निकालने का कार्य निजी कंपनी को देने का फैसला ले लिया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार निजी क्षेत्र की कंपनी बजाज हेल्थ केयर को इन दोनों कार्य के लिए अनुमति दी गई है। उक्त जानकारी देते हुए सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कॉमरेड शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकार ने जनवरी से मार्च माह के बीच अफीम से अल्कोहलाइड बनाने एवं CPS पद्धति यानी अफीम के डोडे से अल्कोहलाइड बनाने के कार्य को निजी क्षेत्रों में देने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की थी, जिसमें कई कंपनियों द्वारा रुचि दिखाने के पश्चात अंतिम तौर पर बजाज हेल्थ केयर को अफीम से अल्कोहलाइड एवं अफीम के डोडे से सीधे अल्कोहलाइड निकालने की अनुमति प्रदान की है। कॉमरेड ठाकुर ने इस संबंध में आगे कहा कि सरकार का यह कदम शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखानों को धीरे धीरे बंद करने की आशंका पैदा करता है। पिछले 150 वर्षों से अफीम के क्षेत्र में सरकारी आधिपत्य है, क्योंकि अफीम एक बेहद संवेदनशील द्रव्य है, अतः इसे निजी हाथों में नहीं दिया जा रहा था। पहले भी निजी क्षेत्रों की फार्मास्यूटिकल कंपनियां NDPS ड्रग्स की तस्करी करते हुए पकड़ी गई हैं, किंतु वर्तमान सरकार द्वारा करीब सार्वजनिक क्षेत्र के सभी क्षेत्रों को निजी हाथों में सौंपने की मंशा के तहत ही अफीम के क्षेत्र को भी निजी हाथों में सौंपने की कवायद है। यह कदम विभिन्न एजेंसियों के मार्फत बजाज हेल्थ केयर से मिली जानकारी के अनुसार प्रति वर्ष 100 टन अफीम प्रसंस्करण एवं CPS पद्धति से की गई खेती से प्राप्त अफीम के डोडे के प्रसंस्करण की अनुमति उन्हें प्राप्त हुई है, जो कि आगामी वर्षों में जारी रहेगी तथा उन्हें केंद्र सरकार से इस संबंध में और अधिक क्षमता बढ़ाने हेतु भी कहा गया है। कॉमरेड ठाकुर ने कहा कि सरकार अफीम प्रसंस्करण करने की अब आगे इच्छुक नहीं है तथा यह कदम धीरे धीरे अफीम की खेती के निजीकरण की ओर भी बढ़ेगा, क्योंकि कई विदेशी कंपनियां इसी क्षेत्र में CPS पद्धति से खेती भी करती है और उनसे अल्कोहलाइड भी प्राप्त करती है। शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने नीमच मध्य प्रदेश एवं गाजीपुर उत्तर प्रदेश में अभी तक यह काम निर्बाध रूप से जारी था और यह कारखाने जीवन रक्षक नारकोटिक्स ड्रग लगातार बनते आ रहे थे, जिनसे खांसी से लेकर कैंसर व अन्य असाध्य रोगों का इलाज होता है। और नीमच कारखाना, जो कि मात्र 2.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित हुआ था, इसने भारत सरकार को अभी तक हजारों करोड़ से भी अधिक का राजस्व कमा कर दिया। इन कारखानों में पिछले दसियों वर्षों से किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं हो रही है और कारखाने की क्षमताओं में भी किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। अब यह दलील दी जा रही है कि सरकारी क्षेत्र के कारखाने मांग की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। यह एक षड्यंत्र है सरकारी कारखानों को बर्बाद करने का। कॉमरेड शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू एवं अखिल भारतीय किसान सभा, मध्य प्रदेश किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध करेगा तथा इस संबंध में सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की रूपरेखा शीघ्र ही बनाई जाएगी। देखते रहिए हमारे साथ MP 7 न्यूज।